सो गाइस, आज का हमारा वीडियो ये एपॉक्सी व ग्राउटिंग को भरने का सही तरीका। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरे बने रहे तभी आपको समझ आएगा एपॉक्सी कितनी लगेगी, आपको कितने फुट में कितना लगेगा, कितना माल आपको चाहिए, कितना ग्रुप के अंदर डालना है और कैसे भरना है, इसको कैसे साफ़ करना है। तो सबसे पहले हमने टाइल एरिया को क्लीन कर लिया है, ग्रुप को जो कचरा है सीमेंट निकाल के क्लीन कर लिया है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे भरना है। तो वीडियो बने रहे और अभी तक ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा जरूर दबा दीजिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, कितना हमारा एपॉक्सी जो केमिकल है उसको डालना है और कितना वो हार्डवेयर है उसको डालना है और कितना पाउडर को डालना है, कितना जो गोल्डन चमकी आती है उसको डालना है। तो सबसे पहले हमारे एरिया है जो 100 फुट का एरिया है उसके हिसाब से हमने मिला लिया है, केमिकल को मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम जो गोल्डन चमकी है उसको डाल रहे हैं, इसको भी आपको माप के डालना है ताकि हमारे जो एपॉक्सी के साथ जो चमकी आती है वो आपको एरिया में फिट आए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो हम इसके साथ केमिकल को मिला लिया है, तो अब हम इसको पाउडर को डालेंगे। जो हमारा क्रिमिक टाइल है उसको इसके साथ हमने जो रेड कलर की एपॉक्सी है जो कलर है उसको मिला लिया है, मिक्स कर लिया है। इसके बाद में इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि दोस्तों ज़्यादा मिक्स करेंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेगा। उसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि कैसे भरना है और कैसे साफ़ करना है इसको, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा समय होने के बाद में ये साफ़ भी नहीं हो पाती है, तो इसे टाइम टाइम साफ़ भी करना पड़ता है। जैसे हमारा 100 फुट का एरिया हो गया, उसको भरने के बाद में कितनी देर बाद में साफ़ करना पड़ता है। तो दोस्तों हमने भर रहे हैं इसको, एपॉक्सी जो साइड में हमारा इजर लगा है 2x2 कटाई लगाई जा रहा है, उसको भी हमने पहले साइड का ग्रुप है उसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं गीला करना है, थोड़ा टाइट रखना है, क्योंकि दोस्तों जो साइड का ग्रुप है उसमें टाइट एपॉक्सी भरनी चाहिए। गीले होने की वजह से हमारा जो केमिकल है बाहर निकल जाता है, इसलिए हमने जो साइड का इजर है उसमें तो टाइट भरा है, लेकिन जो हमारा फर्श का एरिया है उसमें आपको कैसा भी चलेगा, गीला हो या टाइट हो उसमें चलेगा, लेकिन आपका जो साइड का एरिया है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। कभी भी आपको गीला केमिकल नहीं भरना है, गीला केमिकल में बहुत समस्या आती है और इसको साफ़ करने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमने जो केमिकल लगा लिया है उसको साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार हमारा जो एरिया होता है 100 फुट का, उसके बाद में हमने भरने के बाद में आपको 20 या 25 मिनट के अंदर साफ़ कर लेना है, नहीं तो केमिकल सूख जाने के बाद में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये उतर नहीं पाते टाइल पर से, आपको टाइल भी निकालनी पड़ सकती है। यह चेतावनी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत से कारीगर गलती क्या करते हैं, एक घंटा या आधे घंटे से ऊपर हो जाता है तो उसके बाद में केमिकल और समय और टाइल और केमिकल तीनों ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको में आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपको बताएंगे कि कितने फुट में कितना एपॉक्सी लगेगा, तो आपको हम इस वीडियो बता देते हैं कि आपका 100 फुट का एरिया है तो आपको 1 किलो एपॉक्सी या ग्राउटिंग लगेंगी, क्योंकि दोस्तों ये आपको दुकानदार सही नाम माप से नहीं दे पाती है, इसलिए हम बता देते हैं आपको कि 100 फुट का आपका अगर एरिया है तो उसमें आपको 1 kg एपॉक्सी या ग्राउटिंग जो भी है वो लगेगी, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा आपके ग्रुप पर डिपेंड करता है कि आपकी टाइल 2x4 की है या 2x2 की है या 2.5x2 की है, तो इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आपका ग्रुप 3 mm का है या 4 mm का है या 5 mm का है, उसके उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको एपॉक्सी कितनी आएगी। लेकिन इससे पहले हमारे दोस्तों इस वीडियो में आपको बता देते हैं कि आपको सबसे पहले आपको साफ़ करने के बाद में आपको सीमेंट भरनी है, सीमेंट से आपकी जो ज़्यादा ग्रुप में जगह गैप रहता है उसको आपको कवर हो जाता है, 1 सूत का माप रहता है उसके हिसाब से आपको एपॉक्सी भरनी है ताकि एपॉक्सी ज़्यादा वेस्ट नहीं हो पाई। आपको टाइट करके जो होती है ब्लैक सीमेंट होती है उसको आपको पतरे से साफ करके भरना है, उसके बाद दोबारा सफाई करनी है, फिर आपको एपॉक्सी भरनी है 2 घंटे बाद में, क्योंकि दोस्तों अगर आप सीमेंट के ऊपर एपॉक्सी गीला भरोगे तो आपको सेट नहीं हो पाएगी और बाहर भी निकल सकती है, इसलिए आपको आप हमेशा सावधानी से काम करना चाहिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद, ऐसे भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।